Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Suman. Happy birthday to Hi guys, welcome to my YouTube channel Suman Umesh Vlog में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। और आज मैं इस समय से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे, क्योंकि बाबू मान नहीं रहा था तो सो गया, तो फिर मैं फ्रेश व्रेश अभी हो के आई हूँ। अभी सब काम हो चुका है और बस बोले कि चलो कोई बात नहीं, इसी टाइम से अपना ब्लॉग आज स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे गाइस आज मेरा बर्थडे है, तो रात को तो आप लोग ने देखा ही होगा मिस्टर इमो सरप्राइज दिए, क्या हाँ ले क्या है, लेकिन आए तो ऊपर देख रहे हैं हम और बाबू जगा था, तो हम दोनों जन खेल रहे थे। मैं बाबू के साथ उसको मना रही थी, खेल रहे था बाबू, तो कोई नहीं। नित्या क्या क्या तो मैं आ गया हूँ घर पे। आ गए क्या? कब आए? तैयार व्यार होके बैठी है, टोपी बोल के निकालने के लिए बोला था, निकालो कल के रखी है, तो भिजवाना चाहिए था ना। अच्छा ये छत पे था ना। कितना गर्मी हो रही मालूम है बाहर, धूप 40 डिग्री 42 डिग्री धूप है अभी। धूप तो सब जगह है, ये नहीं कि खाली यहीं पे है। इसके पास फोन करो, बोल रहा है देखो थोड़ा। हाय हाय बर्थडे गर्ल, नाखून काट रहे बैठे, बड़ा बड़ा हो गया था। मैं घर पे आ गया हूँ, देखिए बहुत तैयार व्यार होकर बैठी है, नाखून नाखून काट रही है, लगता है साल को कहीं पार्टी वार्टी दे रही है क्या? यस मैं नहीं पार्टी दे रही हूँ, आप देंगे ना। दे तो हम क्यों दे? मेरे को लगा आप दे देंगे, तो क्या दिक्कत है? अरे नहीं, जिसका बर्थडे रहता है वो पार्टी नहीं देता है, सामने वाले देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, बर्थडे आपके पार्टी में दूँ। हाँ आपको ही देना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है गाइस, तो देखेंगे शाम को जाके इनको पानी पूरी और पूरी खिला देंगे और क्या, पार्टी हो गई रेडी। रात को ही पानी पूरी खाए थे, कुछ और खिला देते। ठीक है अभी चले खाना वाना दूर खा लीजिए। दो तीन डेयरी मिल्क दे दूंगा, काम हो जाए। डेयरी मिल्क मुझे उतना नहीं पसंद है, चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। कोको बोलिए मत, कोको कल कोको के चक्कर में 10 किलोमीटर घुमा बंद हो गया था, जहाँ लास्ट में गया था कोको कोको करते हुए मिला कहाँ। हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आज मेरी सिमी का बर्थडे है। मेरी सिमी का बर्थडे है आज मेरी, तो हम सब जा रहे हैं बाहर डिनर पे, पूरा फैमिली के साथ में जाके वहाँ पे केक वेक कट करेंगे, है कि नहीं? यस। अरे बोलिए तो मैं क्या बोलूँ, आज आपका दिन है। आज सिमी मेरे को पार्टी दे रही है, सबको पूरे परिवार को। मैं नहीं दे रही हूँ, चलिए मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद रास्ते में। और ये देखिए दृष्टि, अरे मेरा ड्रेस आप लोग नहीं, अभी नहीं, वहाँ पे अच्छे से मम्मी और सब कोई साथ में, और लोग आगे निकल गए और मिस्टर यूमी गए केक लेने, वो भी कुछ देर में आ जाएंगे। चलिए हम वहाँ पे चल के आप लोगों से मिलते हैं। केक लेने के लिए साथ में ठंडे भी आए, केक लेके जाएंगे, केक लेना है जा रहे हैं। तब हम लोग केक लेके पहुंच गए हैं होटल में, सब लोग पहले से पहुंच गए, हम लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। हम लोग गए थे केक लेने के, चलिए तो केक लेके ऊपर पहुँचते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं। अच्छा
रियति क्या कर रही है देव। गाइस देखिए तो हम लोग आ गए हैं अभी पार्टी करने के लिए, मतलब डिनर के लिए, और साथ में केक कटिंग भी है। देखिए केक भी आ गया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी केक भी। देखिए सबको रेडी है, हम लोग फिर अभी केक कट करेंगे। देखिए भैया स्टार्टर का ऑर्डर दे रहे हैं, अभी क्या क्या दे रहे हैं देखिए। लगभग मोस्ट ऑफ मनचाओ सूप का ही होगा और मसाला पापड़ का ही होगा ऑर्डर स्टार्टर में, सबको पसंद है वो। देव मम्मी बॉटल हटाओ मम्मी, बॉटल हटा लो ना। टिशू नहीं दिख रहा है, आ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ नहीं तो मुंह फूल जाएगा। अच्छा तो जो चाहिए वो ले ले। हाँ ये मेरे किसी का फेवरेट आ गया। हाँ लिखा मेरे को पता है, स्माइल करो। गुस्सा होने का फायदा देखा, गुस्सा होने का फायदा तो है, दो दो मिल गया। ए देखो बाबू कम मुंह फुलाया करो, गुस्सा हो गया दो मिला तो। मसाला पापड़ आ गया, ये नूडल्स है ना, एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। आज ये सबको परेशान करके रखेगा, पता नहीं क्या हुआ है कि परेशान कर रहा है, परेशान किया कर रहा है। सूप पूरा ठंडा हो गया, मतलब सूप ठंडा हो गया। क्या कर रही है नियति? क्यों प्लेट खाली लेकर बैठी है? बना रहे ठीक है, रोजा दृष्टि का किया तन में से।
बात है। आज परेशान कर दिया है मेरे बाबू, परेशान कर रहा है वो, इसीलिए बाहर लेके मैं खड़ा हूँ, बाकी सब लोग खा रहे हैं, मेरे बच्चे को खाने नहीं रहेगा ऐसा हो। दे बेटा, पता नहीं आज क्या हो गया, जाने किसकी लग गई है नजर, देव बेटा देखो इधर। देखिएगा इस देव नहीं मान रहा है तो उसके पापा लेके घुमा रहे हैं वहाँ पे। रायता तो सिर्फ नहीं खाऊंगी, खाने के लिए रहे हैं सब्जी हो, चना मसाला है, पनीर दाल आ गया, मटर रोटी आ गई है, सादी रोटी भी आ गई है, क्या कर रही हो, क्या चाहिए, राइस सब्जी सब आ गया। और ये देखिए देव कब से खाने के लिए लगता रो रहे थे, सब कोई खा रहा था, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, अभी भी वही हाल है, सब कोई खा रहा है, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। पनीर का सब्जी मैं अभी नहीं खा रही, पहले देखो पेट भर जाए उसके बाद मैं लास्ट सब लोग खा रहे हो, नहीं खा रहा है उसके लिए वो उतना परेशान करता है, अभी डर लगता है ना, अटक जाता है। कैसे चाट रहे हो उंगली देखिए। हाँ तो उसको खाना खाना है तो फिर दूध पिएगा क्या, बस अब भर गया, अब भर गया। तो गाइस हम लोग खा के डिनर करके नीचे आ गए हैं, सब कोई रेडी होके बैठा है घर पे जाने के लिए, तो अभी इधर परेशान करके रख दिए हैं बाबू, आज पूरा परेशान किया, देखिए आज चल रहे महाशय। मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, सब कोई खा लिया, अभी रेडी हो गए सब, मेरी बाकी हद मेरी भर, देखिए गाड़ी अब लेने आया हूँ। तो चलिए गाड़ी ले लेते हैं, ये देखिए दोनों जन को आगे ही बैठना है, दोनों आपस में लड़ेंगे आज लग रहा है मेरे को। ओए फिर किसी का आज हाथ नहीं दबे देख लीजिएगा, बस बहुत हो गया, चलो चलो। अरे भाई एक काम करो, मैं ही बैठ जाता हूँ, बाकी कोई नहीं बैठेगा, देव बैठेगा मेरे साथ, देख रहे हैं झलना होने लगता है बैठने के लिए। देखो हमारे बाजू में कुकू भी बैठे तो कैसे बैठोगे, इसको बंद कैसे करना है। गाइस हम लोग अब डिनर करके जा रहे हैं घर पे, तो अभी चलिए घर पे जाके मिलते हैं।
जल्दी हो गया पर मजा नहीं आया। अरे तो बाबू की पता न क्यों हुई आज, आज बहुत परेशान किया इस लड़के ने, इस लड़के ने इसको भी चाहिए था खाना, इस लड़के ने सबसे ज्यादा परेशान किया आज। ध्यान से देखिए, यही है वो लड़का, यही है वो आरोपी, इसको जेल भेजेंगे हम। पीके पीके जैसे कान है, इसके लिए सब पीके बोलते हैं मेरे बाबू को, कोई पीके नहीं है मेरा बाबू, कान है पहले से बचपन से ऐसा। मेरे बाबू के कान ही बड़े बड़े हैं, देखो 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 मेरे बाबू के कान। नियति के भी ऐसे ही है, नियति के भी ऐसे ही है, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े कान। छुपा ली छुपा नहीं छुपा, हमारे रूम की हालत देखिए। अरे देखिए गाइस, अगर कहीं जाते हैं तो फिर रूम ऐसे ही होता है, अगर बच्चे रहे तो और ज्यादा होता है, फैला पूरा सामान फैला हुआ है। और सबसे परेशान आज किया है देव बाबू, अभी भी वैसे ही कर रहा है, लग रहा है ये सोएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा ड्रेस कैसा लगा, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बोलने ही नहीं दे रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाकी बोल देंगे। अब क्या बाकी, मैं बचा क्या, सब तो बोल दिया। चलिए बाय गाइस, गुड नाइट।